नमस्कार, आज मैं सूजी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। इसके लिए एक कटोरी सूजी को लिए हैं। सबसे पहले सूजी को एक बड़ा बाउल में डाल देते हैं। उसी बाउल से जितना सूजी था उतना उतना ही दही को लिए हैं, उसे भी हम डाल देते हैं। और ये दोनों को पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी को डाल देते हैं और इसे भी हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हम लगभग आधा घंटा के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग आधा घंटा हो गया। सूजी अच्छी तरह से फूल गया है और सूजी गाढ़ा भी हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ा और पानी को डाल देते हैं। और इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम दो छोटा छोटा प्याज है, उसे हम बहुत बारीक काट लिए हैं, उसे डाल देते हैं। दो हरी मिर्च, उसे भी बारीक काटे हैं, उसे डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे हम इस तरह से क्रश कर लिए हैं, उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती है, उसे भी हम बारीक काटे हैं, उसे भी डाल देते हैं। ये मूंगफली का दाना है, इसे हम इसी तरह से दरदरा कूट लिए हैं, उसे हम डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, हम इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच नमक को डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी इसे अच्छी तरह से मिला सकते हैं। इधर गैस ऑन करके फ्राई पैन को चढ़ा दिए हैं और फ्राई पैन में तेल को डाल दिए हैं और तेल अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं और इसमें से घोल में से थोड़ा थोड़ा हाथ से ही निकाल करके इसका छोटा छोटा पकौड़ी का शेप दे देते हैं। एक बार में जितना आएगा उतना इसमें हम डाल देते हैं। अब थोड़ा इसे हम हिला देते हैं, डालते के साथ में इसे हिलाना नहीं है, थोड़ा रुक के हिलाइए और चारों तरफ से इसे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से तला गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। नाश्ता को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।